हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्यूटीफुल सी बेबी ड्रेस का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट बनी है। 1 से 1.5 साल के बच्चे का साइज है ये। दो तरह के इसमें पैटर्न डाले गए हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है बनाने में। इसमें जो स्टिचेस यूज़ किए गए हैं वो है चेन स्टिच, स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया स्टिच, डबल क्रोशिया स्टिच और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिचेस। तो सारे स्टिचेस बिगिनर फ्रेंडली हैं, बहुत ही आसान है बनाने में। और अगर आपको कोई स्टिच नहीं आता है तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास वाली वीडियोस में सारे स्टिचेस बनाना सीख सकते हैं, वो सारे इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी मैं। दो पैटर्न इसमें डाले गए हैं, एक पैटर्न जो ऊपर से नीचे तक एक साथ चलेगा और जो दूसरा वाला पैटर्न है वो इस ड्रेस को घेर को बढ़ाने का काम करेगा, जो कि हमारा इंक्रीज वाला पैटर्न है। दोनों ही पैटर्न बहुत ही ज्यादा ईजी और आसानी से समझ में आने वाले हैं। घेर आप इसका अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, उसका तरीका वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर आपको इससे ज्यादा घेर में इसको बनाना है। फ्रंट और बैक दोनों ही दिखने में एक जैसे हैं, आप इसको किसी भी साइड से पहना सकते हैं। गोल गला है, बंद गला है, लेकिन गला इस तरीके से बनाया गया है कि बच्चे के सिर में आसानी से आ जाएगा, जो साइज मैंने आपको बताया है। तो बच्चा अगर हेल्दी है तो 1 साल के बच्चे को आएगी, अगर बच्चा थोड़ा सा वीक है तो 1.5 साल के बच्चे तक को भी ये ड्रेस इजीली आ जाएगी। तो इसका मेजरमेंट एक बार आपको दिखा देती हूँ मैं। बस इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो आपको ध्यान से सुनने हैं, समझने हैं, और तभी आप इस ड्रेस को पूरा बना पाएंगे। तो लेंथ इसकी दिखाई है मैंने, 14 इंच है और इसकी चेस्ट साइज 18 इंच रेडी हुई है। अगर आपको ये ड्रेस इससे बड़े साइज में बनाना है तो कमेंट कीजिएगा, उसकी एज बताइएगा बच्चे की, फिर मैं उस हिसाब से बता दूंगी आपको क्या करना है। इसमें जो लेस बनाई गई है ये अलग से बनाकर लगाई है मैंने, और हाथ की सुई से इसको अटैच किया गया है। आप अपनी पसंद की ड्रेस के कलर के साथ में कोई भी खिलते हुए कलर की लेस बनाकर लगा सकते हैं, या आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिना लेस की भी ड्रेस काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं इसकी प्लेन पिक लेना भूल गई, नहीं तो मैं आपको दिखाती, कंप्लीट करने के बाद ही मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो फ्रेंड्स, डिजाइन अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बाकी डिजाइंस देखें, आपको मेरा काम काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ कार्ड्स लगा दूंगी, उसमें आपको लेस की वीडियो भी मिल जाएगी, मेरे हाथ के बाकी 1 से 1.5 साल के बच्चे के बेबी ड्रेस के डिजाइन आपको मिलेंगे, और अगर आप मैचिंग शूज और हैट वगैरह बनाना चाहती हैं तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाना है इसको। तो इसको बनाने के लिए मैंने माइक्रो शाइन की जो 3 प्लाई वूल आती है उसके साथ में 3 mm क्रोशिया हुक लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने 72 चेन्स डाली हुई हैं। जो डिज़ाइन हम बनाएंगे वो 6 के मल्टीप्लाई में बनता है, तो यहाँ पर 12 बार हमारा डिज़ाइन बनेगा इस चेन के ऊपर, ठीक है। अब जो हमने पहली चेन बनाई थी उसको आगे लेकर आएंगे इस तरीके से, चेन में बिल्कुल भी बल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सीधा रखना है। फर्स्ट वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे और इस चेन को स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे, तो ये गोलाई में यहाँ पर जॉइंट हो जाएगी। ये देखिए स्लिप स्टिच कर दिया, ये नेक हो गई गोल। अब अपना फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, इसके लिए 3 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन एक डबल क्रोशे की तरह ही काउंट होगी। अब क्रोशिया पर बल लेंगे और इसी चेन में जिसमें अभी हमने स्लिप स्टिच किया है इसमें एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे, ऊन को आगे लाएंगे, पहले ऊन लेकर 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे, तो 3 चेन को मिलाकर ये 2 स्टिच एक ही चेन में से यहाँ पर काउंट होंगे। अब क्रोशिया पर बल लेंगे, आगे वाली 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, इसी चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, एक स्टिच और बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, एक स्टिच और इसी चेन में बना देंगे। तो हमने यहाँ पर एक ही चेन में से 4 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं, जिसमें हमने 3 चेन का स्पेस रखा है बीच में, ठीक है, 3 बार एक एक चेन का स्पेस रखा है। अब इसके आगे फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया, एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे इसी वाली चेन में, 2 हो गए, एक और बनाएंगे। तो यहाँ पर एक ही चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया स्टिच बना दिए। अब इसके बाद में पीछे वाला पैटर्न फिर से रिपीट करेंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, आगे वाली 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और एक चेन। तो जैसे अभी हमने 3 डबल क्रोशिया से पहले वाला पैटर्न बनाया था ना, वही पैटर्न हमें यहाँ पर फिर से बनाना है। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में से, और बीच में हम 3 बार चेन का स्पेस रखेंगे। ये देखिए यही पैटर्न फिर से हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसके आगे हम 3 डबल क्रोशिया वाला बनाएंगे, तो 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो 2 पैटर्न मैं आपको यहाँ पर बनाकर बता रही हूँ, यही 2 पैटर्न आपको बार बार रिपीट करने हैं, 2 2 चेन स्किप करते हुए, ठीक है। ये देखिए,
तो ये जो पैटर्न हमने यहाँ पर बनाया है स्टार्टिंग वाले दो डबल क्रोशे के बाद में, जिसमें हमने चार डबल क्रोशे बनाए हैं तीन चेन स्पेस के साथ। एक बार हमने ये पैटर्न बनाया, एक बार दो चेन स्किप करके तीन डबल क्रोशे, फिर से चार डबल क्रोशे वाला पैटर्न, फिर दो चेन स्किप करके तीन डबल क्रोशे, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो ये दोनों पैटर्न हमारे छः छः बार बनेंगे इस तरीके से। तो ये फर्स्ट रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और ये आखिरी बार मैंने यहाँ पर चार डबल क्रोशे वाला पैटर्न डाला है जिसमें तीन चेन का स्पेस आता है, ठीक है। इसके बाद में हम इसको जॉइंट करेंगे। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ दो ही चेन बची हुई हैं, दोनों चेनों को स्किप करेंगे और जिस चेन के साथ मैंने चेन को जॉइंट किया था गोलाई में उसी वाली चेन में क्रोशा डालूंगी और साथ ही जिस चेन में स्लिप स्टिच किया था जॉइंट करने के लिए उस चेन में भी क्रोशा डालूंगी। दोनों चेन में एक साथ क्रोशा डालकर यहाँ पर मैं एक डबल क्रोशा स्टिच बना दूंगी। आप चाहें तो एक चेन भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए तीन चेन को मिलाकर ये तीन डबल क्रोशे काउंट हो जाएंगे। अब तीन चेन की टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये तीन डबल क्रोशे वाला पैटर्न आ गया आखिर में, ठीक है। इसी पर हमारा रो कंप्लीट होगा और इसी से हमारा नेक्स्ट रो स्टार्ट होगा। तो सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, इसके लिए तीन चेन बनाएंगे और ये तीन चेन फिर से बीच में ही रहेंगी। अब इसी स्लिप स्टिच वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन चेन के टॉप पर इस तरीके से। अभी आगे चार डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है जिसमें तीन चेन का स्पेस है। पहले चेन स्पेस में क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे इसी चेन स्पेस में। तो देखिए ऊन को आगे लेकर आएंगे दो लूप्स क्रोशिया में, दोनों में से ऊन लेकर क्रोशिया निकाल देंगे, सिंगल क्रोशिया होता है। नेक्स्ट चेन स्पेस में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस पर आ जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और इसी चेन स्पेस में बना देंगे। तो तीन चेन स्पेस के ऊपर हमने इस तरीके से ये तीन तीन चेन बना दी हैं और ये पैटर्न हमारा ड्रेस की लंबाई तक पूरा जाएगा नीचे तक, ठीक है। अभी इसके आगे तीन डबल क्रोशिया बने हुए हैं एक ही चेन में, बीच वाले डबल क्रोशिया की चेन में हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये दो पैटर्न के ऊपर दो पैटर्न हमारे ये वाले आ गए। यही दो पैटर्न हमें सारे डिजाइन के ऊपर रिपीट करने हैं। ये देखिए आगे हमारे पास चार डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है। तो पहले वाले चेन स्पेस में पहले एक सिंगल क्रोशिया, तीन चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन स्पेस पर आ जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, तीन चेन और एक सिंगल क्रोशिया। तीसरे वाले चेन स्पेस पर एक सिंगल क्रोशिया, तीन चेन और एक सिंगल क्रोशिया। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा पैटर्न है। इसके आगे एक ही चेन में तीन डबल क्रोशिया बने हुए हैं, बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए, यही दो पैटर्न रिपीट करते हुए सेकंड लाइन को कंप्लीट कर लूँगी मैं। तो इसको एंड में ले जाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सेकंड लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने और आखिर में हमारा चार डबल क्रोशिया वाला पैटर्न था उसके ऊपर मैंने यहाँ तीन तीन चेन वाला डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब इस रो को जॉइन करेंगे हम। तो इसके लिए क्या करना है, ये हमने स्टार्टिंग में तीन चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम स्लिप स्टिच वाली चेन में ही। तो यहाँ पर हमारे तीन डबल क्रोशिया वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तीन चेन की टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे, दूसरा रो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तीन डबल क्रोशिया के ऊपर तीन डबल क्रोशिया आ गए तीन चेन को मिलाकर। अब तीसरा रो स्टार्ट करेंगे, इसके लिए फिर से हम तीन चेन ही बनाएंगे, एक दो तीन, और ये तीन चेन एक डबल क्रोशिया की तरह अब क्रोशिया पर बल लेंगे। इसी चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे, ये हो गया। अब इसके बाद में नीचे वाला जो डबल क्रोशिया है तीसरा वाला तीन चेन के आगे वाला, इसको हम बैक पोस्ट करके बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया के बराबर में से क्रोशिया आगे लाएंगे और फिर बराबर में से दूसरी तरफ पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्टिच बना देंगे। तो ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच कहलाता है, ऑनलाइन क्लासेस वाली वीडियो में मैंने ये आपको सिखाया हुआ है। आगे तीन चेन है तीन बार, तो बीच वाली तीन चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक चेन एक डबल क्रोशिया और एक चेन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पैटर्न ड्रेस में हमारा पूरा नीचे लंबाई तक जाएगा, दो रो का पैटर्न है ये। तो यहाँ पर हमने चार डबल क्रोशिया बना दिए हैं तीन बार चेन स्पेस के साथ। आगे हमारे पास तीन डबल क्रोशिया वाला पैटर्न आ गया है, इसमें हम पहले वाला डबल क्रोशिया स्टिच बैक पोस्ट करके बनाएंगे इस तरीके से। अब जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया स्टिच है इसके ऊपर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो बनाएंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, दो डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे, एक दो। अब नीचे वाला तीसरा डबल क्रोशिया है इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो दो पैटर्न हम लेकर चल रहे हैं, दोनों के ऊपर किस तरीके से वर्क करना है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ये तीन डबल क्रोशिया वाले पैटर्न के ऊपर हमने यहाँ स्टिच इंक्रीज किए हैं और ये तीन बार
तीन तीन चेन का डिज़ाइन है। इसमें जैसे अभी हमने यहाँ पर वर्क किया है, पहली लाइन में जो हमने पैटर्न डाला था वही यहाँ पर हमें रिपीट करना है। तो इस तरीके से पूरी लाइन कंप्लीट करनी है हमें। तो तीन चेन जो बनी हुई है, बीच वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरीके से चार डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। बहुत सिंपल पैटर्न है, बहुत ही आसानी के साथ में बन जाएगा, ज़रूर आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। ये देखिए आगे तीन डबल क्रोशिया वाला पैटर्न आ गया, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बैक पोस्ट, बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखिए और वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएगा। तीसरा वाला डबल क्रोशिया बैक पोस्ट, तो यही दो पैटर्न रिपीट करते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है हमें। तो इसमें हमें इन स्टिचेस जो हैं वो बढ़ाने हैं। तो ये देखिए तीसरी लाइन को एंड पर ले आई हूँ मैं यहाँ, और यहाँ पर चार डबल क्रोशिया वाला पैटर्न मेरा बना हुआ है, इसको ज्वाइन करेंगे हम। इसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाले जो तीन डबल क्रोशिया हैं इसमें से पहला वाला स्टिच हम बैक पोस्ट बना लेंगे पहले, उसके बाद में जिस चेन में स्लिप स्टिच किया था उसी चेन में यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हो गया, एक और बनाएंगे इसी चेन में। अब इसको ज्वाइन करेंगे हम। तो ये रो कंप्लीट कैसे करनी है हमें, ये दो डबल क्रोशिया के बाद में हम तीन चेन की टॉप चेन पर आ जाएंगे और इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ हम इस रो को कंप्लीट करेंगे और ये सिंगल क्रोशिया जो है ये एक चेन के स्पेस की तरह ही वर्क करेगी। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको स्लिप स्टिच के साथ नहीं बल्कि सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ ज्वाइन करना है हमें, और इसके आगे के सारे रोज जो हैं वो सिंगल क्रोशिया के साथ ही ज्वाइंट होंगे। ये देखिए इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया एक चेन स्पेस की तरह यहाँ पर आ गया। अब इसके ऊपर अपना फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे, इसके लिए तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाकर स्लिप स्टिच वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और आपको बनाना है, मैं भूल गई थी आपको बनाना है। लेकिन अब जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, ये तीन चेन है हमारे पास में, इसको हम बैक पोस्ट करके बनाएंगे। क्रोशिया पर बल लेंगे, नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया बैक पोस्ट करके बनाएंगे। इसके आगे एक डबल क्रोशिया और है, इसको हम छोड़ देंगे, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये चार डबल क्रोशिया वाला पैटर्न आ जाता है, इसमें हम पहले चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो पैटर्न हमने दूसरी लाइन में बनाया था ना, वही हमें यहाँ पर रिपीट करना है। तो तीन तीन चेन बनानी है तीन बार और सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करना है। तो ये दो रो का पैटर्न है, ये पूरी ड्रेस में इसी तरीके से चलेगा। और जो दूसरा वाला पैटर्न है तीन डबल क्रोशिया वाला, उसमें हम स्टिचेस इंक्रीज करते हुए चलेंगे ड्रेस की पूरी लंबाई तक। ये देखिए आगे ये बैक पोस्ट वाला और चार डबल क्रोशिया वाला पैटर्न आ गया, इसमें हम बैक पोस्ट वाला छोड़ देंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बैक पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर एक बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये दो डबल क्रोशिया हमने बैक पोस्ट बना दिए। चेन स्पेस में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हो गए, नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया बैक पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट वाला बैक पोस्ट बनाएंगे। इसके आगे एक डबल क्रोशिया रह जाता है, इसको हम छोड़ देंगे। डायरेक्ट हम चार डबल क्रोशिया वाले पैटर्न पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें तीन तीन चेन वाला पैटर्न ही फॉलो करना है। तो यही दो पैटर्न रिपीट करते हुए इस पूरी फोर्थ लाइन को कंप्लीट कर लेना है हमें। ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगा ये। तो एक पैटर्न ये तीन तीन चेन वाला और एक पैटर्न ये बैक पोस्ट वाला, ये रिपीट करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेनी है हमें। तो ये देखिए फोर्थ लाइन के एंड में आ गई हूँ मैं यहाँ पर, और आखिर में ये तीन तीन चेन वाला पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। अब इसको ज्वाइंट करेंगे हम। ज्वाइंट करने से पहले कुछ स्टिचेस हमें बनाने हैं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर हम रो को स्टार्ट करते हैं और ज्वाइंट करते हैं ये डिज़ाइन का बीच वाला हिस्सा पड़ता है। तो एक साइड का हम स्टार्ट में बना लेते हैं, दूसरी साइड का हमें एंड में कंप्लीट करना होता है। तो बैक पोस्ट छोड़कर दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे, तीसरे वाले के ऊपर हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे। चेन स्पेस आ जाता है यहाँ पर, इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद में सिंगल क्रोशिया के साथ में तीन चेन की टॉप चेन में इसको हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में जैसा कि आपको बताया था ना, एक डबल क्रोशिया आपको और बनाना है, मैं भूल गई थी, तो मेरा पैटर्न यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो आप जब स्टार्टिंग में तीन चेन के बाद एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे ना, तो आपका जो पैटर्न जॉइंट होगा वो सिंगल क्रोशिया के साथ ही जॉइंट होगा। दो डबल क्रोशिया राइट साइड में आ जाएंगे, दो डबल क्रोशिया लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। अब देखिए इस तरीके से मेरा पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये चार लाइन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो चार लाइन में ये दो पैटर्न मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं ना, इसी दो पैटर्न के साथ में आपको इसके आगे के तीन रो और कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये जो तीन तीन चेन वाला पैटर्न है, इसके ऊपर अब हमारा चार डबल क्रोशिया वाला पैटर्न आएगा जिसमें तीन चेन स्पेस रहते हैं, और दूसरा वाला जो पैटर्न है ना, इसको हम ऐसे ही बनाएंगे आगे के तीन रो में भी। तो यहाँ पर देखिए
ये दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने तीन चेन बनाई हैं और मेरी ये तीन चेन जो है ये दूसरे वाले स्टिच के ऊपर आ रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया है, ऐसे अगर आप वर्क करेंगे ना तो आपकी तीन चेन बीच वाले चेन स्पेस के ऊपर से स्टार्ट होंगी और उसके बाद चेन स्पेस में ही एक डबल क्रोशिया और बनाना है और फिर लेफ्ट साइड वाले दो डबल क्रोशिया आपको बैक पोस्ट बनाने हैं, ठीक है। फिर आगे हमारा चार चेन वाला, चार डबल क्रोशिया वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर हम चार डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाएंगे तीन चेन के बीच वाली चेन में जो बनता है, ठीक है। तो मेरा पैटर्न थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब हो गया है, मैं इसको हैंडल कर लूँगी, लेकिन आपको ऐसे ही काम करना है जैसे मैंने आपको बताया है। चेन स्पेस के बीच में से ही आपका हर एक रो स्टार्ट होगा और एंड में जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ आपको ज्वाइन करते हुए हर एक रो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार रो बनाए हैं ना मैंने, फोर्थ रो को ही रिपीट करते हुए पाँचवा, छठा और सातवा, तीन रो इसके आगे के और बनाऊंगी मैं। सात रो के बनाने के बाद में फिर इसमें हम मुड्ढे अलग करेंगे, तो ये सारा काम आगे पूरा करके दिखाऊंगी मैं। सात रो पहले पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर सात रो कंप्लीट कर लिए हैं मैंने, और सात रो को कंप्लीट करने के बाद में मैंने यहाँ से ऊन को कट कर दिया है। अब इसमें मुड्ढे अलग करेंगे हम। तो ये सात रो काउंट करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात, सात रो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे हम और इसके डिज़ाइंस को अलग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही पैटर्न छः छः बार बने हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बारह बार डिज़ाइन बने हुए हैं। दो तरह के पैटर्न हैं, दोनों छः छः बार हैं। तो ये जो इंक्रीज वाला पैटर्न है इसके साथ में हम अपने मुड्ढों को अलग करेंगे। देखिए ये तो चार डबल क्रोशिया और तीन तीन चेन वाला पैटर्न है, ये पूरी लंबाई में ऐसे ही रहेगा और ये वाला जो पैटर्न है ये हमारा नीचे तक बढ़ता जाएगा। तो ये जो इंक्रीज वाला पैटर्न है ना, इसके ऊपर से मैं अपने मुड्ढे अलग करूँगी। तो इसको कितनी बार निकाला है मैंने, इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम और डिज़ाइन को सबसे पहले मिलाकर रख लेंगे। इंक्रीज वाला जो पैटर्न है इसको इंक्रीज के साथ मिलाकर रखेंगे और तीन चेन वाला पैटर्न तीन चेन वाले के साथ। तो इस तरीके से सारे पैटर्न को हमें पहले मिला मिलाकर बिल्कुल बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से सारे बिल्कुल बराबर में रख लेंगे। अब यहाँ पर अपने मुड्ढे को अलग करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए एक बार इंक्रीज का पैटर्न हो गया, ये वाला जो इंक्रीज वाला पैटर्न है, और एक बार ये हो गया, दो इस साइड के और दो उस साइड के ले लेने हैं हमें। तो यहाँ पर स्टिच मार्कर लगाएंगे अब हम। तो ये देखिए ये वाला हमारा पहला वाला इंक्रीज वाला पैटर्न है और ये दूसरा वाला है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इसमें हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। तो इसमें जो बीच में चेन स्पेस है ना उसमें स्टिच मार्कर लगाकर इसको सिक्योर कर लूँगी मैं। आप अगर चाहें स्टिच मार्कर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप ऊन भी बांध सकते हैं या फिर सेफ्टी पिन के साथ भी आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो बीच के जो चेन स्पेस है उसमें हमने स्टिच मार्कर लगाया है ऐसे ही साइड पर। पहला वाला छोड़कर दूसरे वाला जो इंक्रीज वाला पैटर्न आता है इसमें हम चेन स्पेस में स्टिच मार्कर लगाएंगे। तो चार हमने आगे की तरफ ले लिए हैं, चार हमने पीछे की तरफ ले लिए हैं और दो दो हमने मुड्ढों में निकाल दिए हैं। इंक्रीज वाले पैटर्न की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हो गया एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे ही सामने में ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब दोनों तरफ हमने हाफ हाफ डिज़ाइन लिए हैं इंक्रीज वाले, तो इसमें हाफ हाफ हम दोनों तरफ बांटेंगे, इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे और इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे, स्टिचेस भी बढ़ाएंगे। तो ये सारे काम आगे करेंगे हम। तो इसको इस तरीके से खोल कर इसमें नई सिरे से ऊन ज्वाइंट करनी है हमें। तो ये देखिए स्टिच मार्कर जो मैंने डाला हुआ है ना दोनों तरफ चेन स्पेस में ही डाला हुआ है। अब चेन स्पेस के दोनों तरफ का जो काम है ये हमें इसके आगे कंटिन्यू रखना है। तो ऊन में स्लिप स्टिच, स्लिप नॉट लगा लेंगे हम एक और इसको चेन स्पेस में ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए लेफ्ट साइड वाला जो डिज़ाइन है इसमें इसको ज्वाइंट करेंगे, ऊन को तीन चेन बनाएंगे और ये तीन चेन एक डबल क्रोशे की तरह वर्क करेगी। अब इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे हम। तो ये हमारे लेफ्ट साइड वाले पैटर्न के दो डबल क्रोशिया हो गए चेन स्पेस में से। अब इसके आगे हमारे पास में चार डबल क्रोशिया हैं, दो नॉर्मल हैं और दो बैक पोस्ट हैं। तो पहले वाले को हम बैक पोस्ट बनाएंगे, दूसरे वाले को बैक पोस्ट बनाएंगे और तीसरे वाले को बैक पोस्ट बनाएंगे। तो पिछले चार रो में हमने दो डबल क्रोशिया बैक पोस्ट बनाए थे, यहाँ पर हमने तीन डबल क्रोशिया बैक पोस्ट बना दिए हैं चेन स्पेस वाले डबल क्रोशिया के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक एक स्टिच दोनों तरफ इंक्रीज हो जाएंगे। ये आगे हमारा तीन चेन वाला पैटर्न है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तीन चेन सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, तीन चेन सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, तीन चेन और सिंगल क्रोशिया। तो ये तो हमारा पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर अब हमें स्टिच इंक्रीज करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में बीच वाले चार डबल क्रोशे के अलावा दोनों तरफ दो दो बैक पोस्ट स्टिचेस हैं। तो पहला वाला छोड़ देंगे, दूसरे वाले को लेकर हम बैक पोस्ट बनाएंगे।
ये एक हो गया। नेक्स्ट वाला बैक पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट वाला भी बैक पोस्ट ही बनाएंगे। तो ये तीन स्टिच बैक पोस्ट बना दिए हमने। अब ये चेन स्पेस आ जाता है, इसमें हमें अपना पैटर्न कंटिन्यू रखना है। इसमें हर एक लाइन में, हर एक रो में दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। साइड वाले स्टिचेस हम इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर हम तीन बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो नीचे चार रो में हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं बैक पोस्ट, यहाँ पर हम तीन बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे स्टिच बढ़ जाएंगे। ये आगे तीन चेन वाला पैटर्न आ गया, तो इसमें हम वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टिचेस इंक्रीज करते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे हम। दूसरे वाले मुड्ढे तक लेकर आती हूँ मैं इसको, और फिर दूसरा किस तरीके से जॉइन करना है ये दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरा जहाँ हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक आ गई हूँ मैं। तीन तीन चेन वाला पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। अब इसके बाद में देखिए बैक पोस्ट वाला पैटर्न, इंक्रीज वाला पैटर्न आ जाता है हमारा। तो इसमें हमें पहला डबल क्रोशिया छोड़ना है, और इसके आगे जो तीन स्टिचेस हैं वो हमें बैक पोस्ट बना लेने हैं। एक दो तीन, तीन बैक पोस्ट बनाने के बाद में चेन स्पेस आ जाते हैं हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास दो चेन स्पेस हैं काम करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर मुड्ढा जॉइंट करना है। तो राइट साइड वाली चेन स्पेस में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, और अब लेफ्ट वाली चेन स्पेस में आ जाएंगे। इसमें हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारा मुड्ढा यहाँ से जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये स्टिच मार्कर जो है इसको निकाल देती हूँ मैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे हमें स्टिच इंक्रीज करने हैं, तो हम यहाँ पर तीन स्टिचेस के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे। एक दो तीन, ये हो गए। अब इसके आगे हमारा तीन तीन चेन वाला पैटर्न है, इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरीके से पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए इसको एंड तक लेकर जाऊंगी मैं, जहाँ तक हमारा जहाँ से हमने रो स्टार्ट किया है। और फिर दूसरा वाला मुड्ढा जॉइंट करना फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न यहाँ से जॉइंट हो गया, इसी तरीके से दूसरा वाला भी जॉइंट करना है, तो आगे तक ले जाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से मैं आपको समझा पाई हूँ पैटर्न के अकॉर्डिंग लाइन कंप्लीट करनी है हमें। ये देखिए एंड तक इसको लेकर आ गई हूँ मैं, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़कर तीन डबल क्रोशिया बैक पोस्ट बना लिए हैं मैंने। अब लेफ्ट वाली चेन स्पेस में हमने काम स्टार्ट किया था, राइट साइड वाली चेन स्पेस में हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो, और इसको ज्वाइन करेंगे हम सिंगल क्रोशिया के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसके आगे के सारे रो सिंगल क्रोशिया से ही आपको एंड करने हैं। तीन चेन की टॉप चेन में एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है, तो ये एक चेन स्पेस की तरह ही वर्क करेगा। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब इस वाले स्टिच मार्कर को भी निकाल दूंगी मैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मुड्ढे हमारे दोनों ही जॉइंट हो चुके हैं। तो ये मुड्ढे जॉइंट करने के बाद में इसका जो पैटर्न है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब इसमें सिर्फ हमें इंक्रीज वाला जो पैटर्न है इसमें अपने स्टिचेस को इंक्रीज करना है, और ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो हर एक लाइन में इंक्रीज कर सकते हैं, आप चाहें तो दो रो के बाद इंक्रीज कर सकते हैं, आप चाहें तो तीन रो के बाद इंक्रीज कर सकते हैं। जितना घेर आपको कम या ज़्यादा चाहिए इतना स्टिच आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज का जो बीच वाला पैटर्न होता है वो हर एक लाइन में ऐसे ही रहेगा, दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया, हर एक चेन स्पेस में हर एक लाइन में बनाने हैं। बाकी दोनों तरफ के स्टिचेस आपको इंक्रीज कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे हम तीन चेन के साथ, इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे अभी हमने तीन डबल क्रोशिया बैक पोस्ट बनाए थे, तो यहाँ पर अगर आपको और स्टिच इंक्रीज करने हैं तो आप यहाँ पर चार स्टिच बैक पोस्ट बना लीजिए। यहाँ पर मैं तीन ही बनाऊंगी क्योंकि मैं दो दो लाइन के बाद में इंक्रीज करूंगी इसमें। तो ये एक डबल क्रोशिया बैक पोस्ट, ये दूसरा बैक पोस्ट, तीन बैक पोस्ट, ये दो डबल क्रोशिया रह जाते हैं मेरे पास में, इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। आपको अगर स्टिच और बढ़ाने हैं तो आप एक डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट इसके आगे बढ़ा सकते हैं। आगे तीन तीन चेन वाला पैटर्न है, इसके ऊपर हमें चार डबल क्रोशिया वाला पैटर्न कंटिन्यू करना है, एक एक चेन स्पेस के साथ चार डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इस पैटर्न में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, हर दो लाइन पर यही पैटर्न हमें बनाना है। सिर्फ इंक्रीज वाले के साथ ही हमें स्टिचेस को इंक्रीज करना है। तो इसके आगे जो पैटर्न है हमारा वो इंक्रीज वाला है। तो पिछले रो में मैंने तीन बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए हैं, इस रो में भी मैं तीन ही बनाऊंगी। आपको अगर और ज़्यादा बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पर पहला वाला छोड़कर दूसरे से काम स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर दो छोड़कर तीसरे से काम स्टार्ट किया है, और यहाँ पर तीन बैक पोस्ट स्टिच बनाए हैं। बीच में चेन स्पेस आ जाता है, चेन स्पेस में हमें हर एक रो में यही बनाना है, दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया। तो जो चेन स्पेस का पैटर्न है ये वाला भी हमारा हर एक लाइन में ऐसे ही रहेगा,
बस आपको साइड के स्टिचेस अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट करने हैं। तो मैंने हर दो लाइन पर स्टिच बढ़ाए हैं, आप चाहें तो हर एक लाइन पर स्टिच बढ़ा सकते हैं, उससे आपका जो घेर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आगे तीन चेन वाला पैटर्न आ गया, इसके ऊपर तो आपको पता ही है क्या करना है। तो इंक्रीज वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए अब इस पूरी लाइन को कंप्लीट करूंगी मैं, तीन बैक पोस्ट राइट साइड पर, तीन लेफ्ट साइड पर। तो इस लाइन को पूरा कंप्लीट करके दूसरी साइड पर ले जाकर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए दूसरे मड्ढे तक लेकर आ गई हूँ मैं इसको। यहाँ पर तीन बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं मैंने, और ये नौवीं लाइन है हमारी, ठीक है। आठवीं लाइन पर हमने मुड्ढे को ज्वाइन किया है और ये नौवीं लाइन हमारी चल रही है। तीन बैक पोस्ट मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, इसके आगे हमारा चेन स्पेस आ गया है जिसमें हमने मुड्ढे को ज्वाइन किया था। इसमें हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन का स्पेस देंगे, उसके बाद दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो जो इंक्रीज वाले पैटर्न का बीच वाला हिस्सा होता है वो यहाँ पर हमारा आ गया। इसके आगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन, एक, दो, तीन। इसके आगे तीन चेन वाला पैटर्न है। तो जैसे हमने ये रो बनाया है, ये वाली साइड कंप्लीट की है, ऐसे ही दूसरी वाली साइड को भी कंप्लीट करेंगे हम जहाँ से हमने रो स्टार्ट किया है। तो इसके आगे तीन चेन वाला पैटर्न है, इसके ऊपर हम चार डबल क्रोशिया वाला पैटर्न ही रिपीट करेंगे, और इसको जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक ले जाकर फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये देखिए ये लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है मैंने, और इसमें सबसे आखिर के तीन डबल क्रोशिया बैक पोस्ट मैंने बनाए हुए हैं। अब इसके आगे चेन स्पेस में वर्क करना है हमें। तो ये हमारे मुड्ढे वाला चेन स्पेस आ गया, इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया के बाद में सिंगल क्रोशिया के साथ थ्री चेन की टॉप चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे हम। जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक रो अब इसके आगे का ऐसे ही स्टार्ट होना है, तीन चेन के साथ और सिंगल क्रोशिया के साथ एंड होना है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा इसके आगे क्या करना है। इसकी सिर्फ हमें लेंथ कंप्लीट करनी है स्टिचेस बढ़ाते हुए, और जैसे कि मैंने आपको बताया है ये आपके ऊपर है कि आप इसके घेर को कितना बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर तीन तीन स्टिच दोनों तरफ बनाए हैं, अगर आप चाहें तो हर एक रो में बना सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट रो में बीच वाले पैटर्न से अलावा दोनों तरफ आप चार चार डबल क्रोशिया बैक पोस्ट बनाएं, उसके आगे वाले रो में पाँच बनाएं, उसके आगे वाले रो में छः बनाएं, तो आपके हर एक रो में स्टिच बढ़ेंगे और घेर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा घेर वाली ड्रेस बनानी है तो आप हर एक रो में स्टिच बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर आपको मेरी तरह काम करना है। तो मैंने पहले तीसरी लाइन में एक बैक पोस्ट से स्टार्ट किया था, उसके बाद में चौथी लाइन में मैंने वो दो कर दिए थे, चौथी में, पांचवीं में, छठी में और सातवीं में मैंने दो दो बैक पोस्ट बनाए। आठवीं लाइन में जिससे हमने मुड्ढा ज्वाइन किया था उसमें मैंने तीन बैक पोस्ट बनाए थे, और नौवीं लाइन में भी मैंने तीन ही बैक पोस्ट बनाए हैं, यहाँ पर आपने देखा है, ठीक है। इसके बाद की दसवीं और ग्यारहवीं लाइन में मैं इनको चार कर दूंगी, और उसके बाद में बारहवीं और तेरहवीं लाइन में मैं इनको पाँच कर दूंगी, चौदहवीं और पंद्रहवीं लाइन में मैं इनको छः कर दूंगी। तो इस तरीके से हर दो लाइन के बाद में मैंने इसके आगे स्टिचेस को बढ़ाया है और इस ड्रेस की लंबाई को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप हर एक लाइन में स्टिच बढ़ाएंगे तो आपका जो घेर है वो इससे डबल ही हो जाएगा तकरीबन, ठीक है। तो ज़्यादा घेर वाली फ्रॉक के लिए क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और जितनी मैंने बनाई है इतनी साइज़ में अगर आपको बनाना है तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो इसकी लेंथ को कम्प्लीट करना है हमें, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हमारी ड्रेस जो है बनकर कम्प्लीट हो जाएगी, आखिरी लाइन में ऊन को कट कर देंगे हम, और जितने भी धागे हैं इस ड्रेस में उन सबको हाइड कर लेंगे। ऊन को हाइड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी लेंथ को कम्प्लीट करें, इस बेबी ड्रेस को बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेस जो इसके ऊपर लगाई है मैंने वो अलग से बनाकर लगाई है, तो उस वीडियो के लिए जो उस लेस की जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, तो उसमें देखकर आपको लेस बनाना सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन और बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। तीन चेन बनाएंगे, इसी सिंगल क्रोशिया के नीचे से क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे हम चार डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, पहला तीन चेन के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट चेन के ऊपर एक डबल बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक और नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक। तो यहाँ पर मैंने चार बना दिए, नौवीं लाइन में और आठवीं लाइन में हमने तीन तीन बनाए थे, यहाँ पर हमने चार बना दिए हैं, चार ही हम एंड में बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे स्टिचेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इसी तरीके से आपको इंक्रीज करने हैं। आप हर दो लाइन पर करें या आप हर तीसरी लाइन पर करें, ये आपकी चॉइस है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कोई भी दिक्कत आए इसको बनाने में या कोई भी सवाल इससे रिलेटेड आपके मन में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ मैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाली घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी।
और अगर पहली बार मेरी कोई वीडियो देखी है तो चैनल पर विजिट जरूर करें, मेरा काम इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। मेरे चैनल पर आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक और खूबसूरत डिज़ाइंस मिलेंगे देखने के लिए, जो कि आपको शायद इंडियन यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेंगे। तो मेरी चैनल को ज़रूर ओपन करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। लेंथ कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करनी है, ओके।